What do you call a Siberian husky living in Mumbai and trying to bark in Gujarati? Or what do you call a person from Delhi who eats like a bird when in front of people? Okay, I'll make it easier for you. What do you call a cartoon-hating, platypus-faced weirdo from a state neighboring Odisha? No prize for guessing that one, sister. I mean, Didi. Jai Hind. क्या बात है. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद. बंगाल में जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को इसीलिए जेल हो गई क्योंकि उसने ममता बैनर्जी पर एक कार्टून बनाया. बेसिकली ममता दी डजंट लाइक कॉम्पिटिशन. बट हाउ रिडिकुलस इज दिस. अगर किसी को कार्टून बनाने के लिए भी जेल होने लगी तो हम लोग तो सब 800-800 साल के लिए अंदर हो जाएंगे भाई. हाँ, कार्टून बनाने वाले प्रोफेसर को अरेस्ट करते हुए कहा गया कि उन्होंने एक रिस्पेक्टेड पर्सन के खिलाफ साजिश की है. जी हाँ, रिस्पेक्टेड पर्सन के खिलाफ साजिश. आई वुड से इस स्टेटमेंट में कम से कम 3 अजम्पशन है जो गलत है. पर ये शायद पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि आप किसी के मजाक में कार्टून बनाने पर भी जेल जा सकते हैं. इमेजिन कितना एम्बैरेसिंग होगा उस बंदे के लिए जेल में. मतलब जेलर पूछता होगा, hey! एक को पूछता होगा, hey! तुम जेल किस लिए आए? मैंने ट्रिपल मर्डर किया. hey! तू किस लिए आया? मैंने बहुत बड़ा स्कैम किया था. अरे तू नीचे क्या देख रहा है? तू किस लिए आया इधर? हाँ, मैंने कार्टून बनाया था. जेलर को अटैक आ गया, मर गया उधर. पर लगता है ममता बनर्जी ने स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल से बदलकर पश्चिम बोंगो इसीलिए किया था. अब बोंगो को जम के बजा रही है, वो भी पैर में पकड़ के बजा रही है बोंगो. और ममता बनर्जी को कार्टून से दिक्कत है ये हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था. शी ऑलवेज हेटेड प्रकाश करा. इनफैक्ट ममता दीदी कार्टून से इतना डरती है कि अपने राइट हैंड में डेरेक ओब्रायन को बोलती है नॉक करके अंदर आए. बल्कि मैंने सुना है एक बार वीवीएस लक्ष्मण ईडन गार्डन में मैच खेलने गया था तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया. बाद में जब पता चला कि अच्छा ये वीवीएस लक्ष्मण है, हम लोग को लगा वो कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण. तब उसे छोड़ दिया. और जैसा कि हमारे एक फॉलोअर झंडू बाबा ने, झंडू अंडरस्कोर बाबा ने ट्विटर पे कहा है कि ममता दीदी अब जल्दी ही बंगाल में जी टीवी बंद कर देंगी क्योंकि उस पर हिटलर दीदी नाम का शो आता है. और इतना नहीं, ममता दीदी ने स्टेट लाइब्रेरीज में से सारे अंग्रेजी अखबार भी बंद कर दिए. अब वहां सिर्फ उनके पसंद के 4 बांग्ला अखबार आते हैं. आई थिंक शी शुड स्टॉप एट दिस. यू नो, उनको खुद सुबह 5 बजे उठकर अपनी चॉइस के अखबार साइकिल के कैरियर में लगाकर हर बंगाली के घर पे बांटने चाहिए ऐसे. हाँ, ताकि लोग गलती से कुछ और ना पढ़ें. एंड देयर इज मोर. उन्होंने स्टेट की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से कार्ल मार्क्स के रेफरेंस निकलवा दिए. उनका कहना था, हमने कार्ल मार्क्स को बोला 4 घंटे में अपना सारा सोशलिज्म रोल बैक करो नहीं तो तुम्हारा छुट्टी. 4 घंटा बाद भी उसने वही रखा है. इतने दाढ़ी वाला आरोगन फूल है, हमने उसको रोल बैक कर दिया. ना चल बे, इट्स दैट सिंपल. और इस गुस्से भरे फर्स्ट सेगमेंट के बाद अभी बाकी है हाफिज सईद से एक मुलाकात, एक वेरी स्पेशल जू टॉप 5. यू शुड मिस दिस. इनफैक्ट यू शुड मिस एनी ऑफ जय हिंद. और कोलकाता, यस, दीदी लैंड में 4G सिग्नल. छोटे से अंतराल के बाद बजाओ.